जाफरान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। महेश लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में पानी की काफी किल्लत हो रही है, जैसे कि अलमास कॉलोनी, मोतीबाग, वफा और भी मुंब्रा शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने हालांकि पानी न आने पर मोर्चे और धरने प्रदर्शन भी किए हैं, मगर उसका भी हल कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। हालांकि पानी के संबंधित विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और पानी पुरोठा विभाग के चीफ इंजीनियर अर्जुन आहिरे और विनोद पवार, शशिकांत सालुंखे ने 32-33 वार्ड नंबर में पानी के संबंधित दौरा किया। पानी का प्रेशर मुंब्रा शहर में काफ़ी कम रहता है और मुंब्रा शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां दो दो दिन पानी भी नहीं आता है। ऐसे में रमज़ान का महीना आने वाला है और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है, मगर लोगों की पानी की परेशानियाँ दूर होने का नाम नहीं ले रही। अक्सर देखा जाता है कि जिस इलाके एरिया में लोग पानी के लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, उस एरिया में 2-3 दिन पानी ठीक आएगा, मगर उसके बाद फिर हालत बद से बदतर हो जाती है। हाल ही में मुंब्रा शहर में अलमास कॉलोनी, अमृत नगर, MM वली और ऐसे कई जगहों पर पानी की टंकी बनाने के लिए और नई पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि पूजन भी किया गया था और लगभग काम भी शुरू किया गया है। पानी की शिकायतें सामने आने के बाद विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने पानी पुरोठा विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 32-33 में दौरा किया और दौरे के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। शानू भाई, जो दौरा किए पानी के लिए, ये कौन कौन से वार्ड में गए थे आप लोग और क्या पानी का पूरा मसला? 32 नंबर से लेके 33 नंबर के प्रभाग के अंदर के अलमास और अरमान अपार्टमेंट, मोतीबाग, ये सभी जगहों पे, वफा, इन जगहों पे पानी की शिकायत थी, जिसपे काफ़ी दिन से हमारे इब्राहिम भाई और शाकिर भाई, हम लोग सब पानी कैसा बढ़ना चाहिए इसके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन आज चीफ इंजीनियर अर्जुन आहिरे, विनोद पवार और सालुंखे और जितने भी अधिकारी, उनके साथ मिलकर हमने हमारे सभी जिम्मेदार आतिक भाई, रफीक भाई, जो भी यहाँ के रहवासी, समीर भाई, सब लोग के साथ मिलकर यहाँ पे हमने दौरा किया और पानी के टाइम को कैसा बढ़ाया जाए, पानी के प्रेशर को कैसे मेंटेन किया जाए, इस पर निर्णय लिया। और आपको आपके ज़रिए बताना चाहते हैं कि जो हमारे वफा पार्क की टाकी बन के तैयार है, उसको शुरू करने के लिए कल से यहाँ पे तनवर से या अलमास से पानी डालने के, पाइपलाइन डालने का काम सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। आने वाले वक्त के अंदर अलमास कॉलोनी से लेकर मोतीबाग की जो परिसर, पूरी परिसर है, उधर पानी की समस्या दूर हो जाएगी, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे आज सर्वे किया, जिसमें हमारे रेहान भाई भी थे, हमारे इब्राहिम भाई भी थे, शाकिर भाई भी थे, अतिक भाई भी थे, और आने वाले वक्त में इस परिसर की पानी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो पानी की समस्या जो है मुंब्रा के और भी कई हिस्सों में है और काफ़ी ज़्यादा समस्या है। ऐसा कहा जाता है कि जब विरोध होता है या पानी की मांगनी की जाती है तो 1-2 दिन प्रेशर पानी का ज़्यादा रहता है, उसके बाद फिर वही सिस्टम हो जाता है, पानी नहीं आता है। देखिए, ऐसा है कि माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत जी ने रेस्ट हाउस पर मीटिंग लगाया था MIDC के अधिकारी के साथ और उन्होंने उनकी मांग पे, उनके आदेश पर 41 डिग्री को वापस 47 मेंटेन किया, डिग्री प्रेशर 47 MLD मेंटेन किया प्रेशर, जिससे काफ़ी हद तक समस्या दूर ही है। लेकिन गर्मी और शटडाउन के कारण पानी की दिक्कत होती रहती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये शटडाउन भी, जैसे कल शटडाउन नहीं है, ऐसे ही आने वाले वक्त में रमज़ान में शटडाउन ना रहे, हम ये कोशिश कर रहे हैं। और मिनिस्टर साहब जितेंद्र रावत जी ने भी उनका आदेश दिया, बहुत जल्द इस पर भी अमल बजावनी होने वाली है।